इसका मतलब है कि अगर आपको मुंबई शहर के शोर में रहना है तो इस शोर में शामिल होना चाहिए। मतलब कि यहाँ अगर आप बहुत ही ज्यादा स्वीट और बहुत ही ज्यादा कमजोर और बहुत ही ज्यादा अच्छे रहेंगे तो मतलब यहाँ इस शहर के शोर में आप मतलब कि कहीं 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 ना कहीं खो जाएंगे। मेरी फिल्म लग रही है और उस फिल्म का नाम है शोर इन द सिटी। उस फिल्म की प्रमोशन के लिए यूटीवी बिंदास के नए शो मेरी तो लगी नौकरी में अपने कैरेक्टर के रूप में आया हूँ, तिलक के रूप में आया हूँ। यहाँ पर मैं अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा हूँ फोन पे और एक बैंक रॉबरी के लिए रवाना होने जा रहा हूँ, जो मुझे करना तो नहीं है लेकिन मैं दोस्तों को मॉरल सपोर्ट देने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन इस शो के एक किरदार हैं जो मुझे बुलाते हैं और मुझसे एक दो सलाह लेते हैं। हालांकि मैं गुंडागर्दी करता तो हूँ नहीं, लेकिन उन्हें थोड़ी मतलब उनकी सहायता करता हूँ, उन्हें हेल्प करता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि अगर उन्हें अपना खोया हुआ पैसा वापस कमाना है तो उन्हें एक बैंक रॉबरी करनी चाहिए, लेकिन अपने मतलब जहन को खोना नहीं चाहिए, उसमें अपने दोस्तों को साथ देना चाहिए, सेंसिबली करना चाहिए, जो कि मेरा कैरेक्टर जो है वो प्रोपगेट करता है फिल्म में। अगर यहाँ टिके रहे थोड़े साथ लेके चलना चाहिए, समझा? हाँ मंडू, अभी आ रहा हूँ ना। सो जब ये वापस आते हैं मैं इनको देख रहा हूँ कि मैं यहाँ देखा चलक साथ ये चाहिए ना। सोच मेरे अपने एक्शन। अरे हाँ, बैंक रॉबरी के लिए आ रहा हूँ ना, एक मिनट। तो स्टुपिड डिस मत करना, समझा? जी हाँ, मेरी इंडस्ट्री में पहली नौकरी थी डेविड धवन जी के पास। मैं उनका असिस्टेंट था, एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने उन्हें 3 फिल्मों में असिस्ट किया, दुल्हन हम ले जाएंगे, चल मेरे भाई और कुआरा। और उस वक्त ही मैंने मतलब कि सीखा कि क्या होता है फिल्म स्टूडियो में। और वहाँ मेरी मुलाकात रूमी भाई से हुई थी, जिन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया था और मुझे अपनी पहली फिल्म मिली थी। तो वो मेरा पहला जॉब था, तो उस वक्त मुझे लगा था कि मेरी तो लग गई नौकरी। नहीं, ऐसा मेरे साथ तो नहीं था, मतलब कि वो एटीट्यूड तो नहीं दिखाया उन्होंने कभी भी। लेकिन हम लोग की दोस्ती उस फिल्म के दौरान नहीं हुई थी, हम लोग मतलब एक दूसरे से हमने बात भी नहीं की थी। जब तक वो फिल्म रिलीज हो गई थी और हमने दूसरी फिल्म साइन की तब थोड़ी दोस्ती बन गई थी हमारी। फिर तो गोलमाल 2 गोलमाल 3 भी किया साथ। मेरे कैरेक्टर का नाम है तिलक, जो मतलब गुंडागर्दी की दुनिया से है, मतलब छोटी मोटी चोरियां करता है, पायरेटेड किताबें सड़कों पर बेचता है। लेकिन उसके लिए ये उसकी पहली नौकरी नहीं है, वो मतलब ऐसा काम करते आया है और अब वो थोड़ा रिफॉर्म हो रहा है, इस दुनिया से निकल रहा है और उसके दोस्त नहीं चाहते कि वो निकले इस दुनिया से। तो एंड में वो एक बैंक रॉबरी के लिए, मतलब मैं बोलूंगा नहीं अभी, लेकिन वो थोड़ा मॉरल सपोर्ट उन्हें देता तो है, लेकिन एक्चुअली उसकी शादी हो गई और वो इस गुंडागर्दी की दुनिया से निकल रहा है। उस कैरेक्टर का नाम है तिलक, मतलब यू कैन कॉल हिम अ टपोरी, छोटा मोटा भाई, मतलब चेंबूर का रहने वाला है और तिलक है उसका नाम। तू हमारी मदद इसके लिए नहीं कर रहा क्योंकि तुम घर में बड़ा किताब पढ़ रहे लाइफ में ना, तेरी लाइफ की माँ का चल रहे इसकी सटक गली है यार। बहुत ही अलग है उस किरदार से, हालांकि दोनों मतलब भाई लोग हैं, लेकिन वो तो मतलब कि एक ड्रेडेड गैंगस्टर था, जो मतलब किलर कह सकते हैं। आई चाला सोडा कम थोड़ा पानी मिला, आई चाला सोडा कम थोड़ा पानी मिला, थोड़ा टेबल वेबल साफ कर देना यार, थोड़ा टेबल वेबल साफ कर देना यार। ए गंपा। लेकिन ये कैरेक्टर मतलब थोड़ा सबड्यूड मतलब भाई है, इतना बड़ा भाई नहीं, मतलब ही इज रियल यू कुड से एक क्रुक कह सकते हैं आप उसको, एक मतलब कि छोटा मोटा डॉन आप कह सकते हैं। यार कभी सोचा नहीं था यार AK-47 हाथ में पकड़ूंगा। अबे भूखने के घर नीचे कर। नहीं, इमेज तोड़ने की कोशिश तो नहीं है, मुझे अपने गोलमा का इमेज ही बहुत पसंद है, लेकिन अच्छी बात है कि मुझे ऐसे मौके मिले। आई थिंक कोइंसिडेंस है कि 2010 में मैंने ऐसी फिल्में की जो अलग अलग जॉनर्स की रही हैं, जैसे लव यू मिस्टर कलाकार। कहते हैं प्यार जस्ट हैपेंस, मुझे भी हुआ साहिल से, जब वो पहली बार मेरे ऑफिस आया था। शोर इन द सिटी हो, ये तो खुश हो गया है, जाके देखना तेरी माँ की, तू जाके देख। कुछ नहीं हुआ यार, चल जाके देखना। और लकली दोनों फिल्मों की शूटिंग्स अलग अलग टाइम पे हुई, मतलब एक खत्म हुई तो दूसरी शुरू हुई, तो कोई कंफ्यूजन नहीं था कि एक सेट से दूसरे सेट पर जाने का, मुझे मतलब कि लुक चेंज
करना नहीं पड़ा मुझे, मतलब एक लुक था शोरूम सिटी का, और फिर उस लुक से निकल कर मैंने लव यू मिस्टर कलाकार का लुक, अलग लुक अपनाया। सो ऐसा मतलब मैंने प्लानिंग सही की थी। और लेकिन अभी दोनों फिल्में साथ लग रही हैं, शोरूम सिटी 28 को लगेगी और लव यू मिस्टर कलाकार 13 मई को लगेगी। मुझे कुछ कहना है कि 10 साल बाद एक आउट एंड आउट रोमांटिक फिल्म में आ रहा हूँ जो राजश्री बैनर की फिल्म है। तो आई एम श्योर आप जान सकते हैं कि राजश्री बैनर की फिल्म होगी तो उसमें आइटम गाना तो हो ही नहीं सकता। सर फिरा सा है दिल, सर फिरा है ना जाने क्यों, तुम्हें चोर नजरों से देखता है दिल ना जाने क्यों। गाने बहुत अच्छे हैं लेकिन ऐसा कोई गिमिक नहीं है जो हम कह सकते हैं कि यार यार इसमें डालने का सोचा है। शोरूम सिटी में नहीं, शोरूम सिटी में मतलब इट्स वेरी रियलिस्टिक द फिल्म, तो मतलब कि फास्ट गाने हैं, लाइक कर्मा इज अ बिच एक बहुत फास्ट गाना है। और साइबो इज ऑल्सो वेरी वेरी रोमांटिक सॉन्ग। एंड साइबो का रीमिक्स भी है लेकिन गाने बैकग्राउंड में आते हैं, मतलब दिस फिल्म थोड़ी अल्टरनेटिव है कमर्शियल होते हुए भी, मतलब एक हटके इसकी नरेशन जो है थोड़ी हटके है, मतलब कि थ्री स्टोरीज पैरेलल चल रही हैं, तो गाने बैकग्राउंड में आते हैं। लव यू मिस्टर कलाकार में गाने तो फिल्मों के अंदर आते हैं, लेकिन ये दोनों फिल्में आई थिंक नॉर्मल जो एक टिपिकल मसाला फिल्में होती हैं उनसे थोड़ी हटकर है, थोड़ी रियलिस्टिक है, थोड़ी मतलब कमर्शियल होते हुए भी मतलब इतना मतलब गिमिक ही नहीं है जैसे कि आज फिल्में हो रही हैं, आइटम गाना डाल देते हैं, पुराने गाने को रीमिक्स कर लेते हैं, वो सब नहीं है इन दोनों फिल्मों में। इसका मतलब है कि अगर आपको मुंबई शहर के शोर में रहना है तो इस शोर में शामिल होना चाहिए, मतलब कि यहाँ अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्वीट और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे तो मतलब यहाँ इस शहर के शोर में आप मतलब कि कहीं 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 ना कहीं खो जाएंगे। तो इस शहर के शोर को अपनाना पड़ता है, लेकिन यू हैव टू बी मॉरलिस्टिक ऑल्सो, एक बैलेंस रखना चाहिए अपने गुड एंड बैड साइड को, लेकिन यू हैव टू बी बैड, बुरा बनना जरूरी है या ज़्यादा बुरा नहीं, थोड़ा बुरा बनना जरूरी है। थैंक यू सो मच। मोरल सपोर्ट के लिए आया हूँ। मोरल क्या?